लेकिन जो स्टूडेंट हमारे यहाँ जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया इनका हम बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और प्राउड कोचिंग सेंटर मैनेजमेंट जो है अपनी तरफ से इनको कुछ गिफ्ट देना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असमत परवीन, करंटली पर्सुइंग माय एमबीबीएस एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फॉर मी पासिंग 12th क्लास एग्जाम एंड क्रैकिंग नीट वाज नॉट अ हार्ड नट टू क्रैक बिकॉज एवरीवेयर आई वाज अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर्स हु हैड वेरी ऑप्टिमिस्टिक विजन। आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्राउड कोचिंग सेंटर हु रियली असिस्टेड एंड सपोर्टेड मी, ट्रांसफॉर्मिंग माई कैपेसिटीज, इग्नाइटेड माई माइंड एंड ऑफर्ड मी विंग्स ऑफ फायर टू फ्लाई हाई एंड हंट माई ड्रीम। The time I had in Proud Coaching Center is evergreen and charming in every aspect, and the whole family is so intellectual, trustworthy, and talented. So better is to join your hands with the Proud family to hunt your dream proudly. Once again, I am very thankful to the whole family of the Proud Coaching Center. Thank you so much. Myself सहरुबा रहीम from पसनाग तापर। Recently मैं GMC बारामला में MBBS कर रही हूँ और मैंने अपनी सारी कोचिंग 11th, 12th और 10th प्राउड कोचिंग सेंटर हैदरवेग से हासिल की है। ये वो जगह है जहाँ पे मेरी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनी। आई एम थैंकफुल ऑल द फैकल्टीज़ ऑफ प्राउड कोचिंग सेंटर हैदरवेग जिन लोगों ने मुझे इस एबल बनाया कि मैं नीट क्वालिफाई कर पाई। और मैं उन स्टूडेंट से यही मैसेज देना चाहती हूँ, फ्रॉम 9th to 12th स्टैंडर्ड कम एंड स्टडिंग हियर, इट्स अ चांस टू मेक योर फ्यूचर। सर, मैं खिमियार का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 11th और 12th प्राउड कोचिंग सेंटर से कंप्लीट की थी। रिसेंट नीट एग्ज़ाम्स में मेरे 622 मार्क्स थे। इस कोचिंग सेंटर के सारे ही फैकल्टीज़ काफ़ी सपोर्टिव है। जो आपको जो भी बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम के बाद 11th और 12th में इंटर करने वाले हैं वो इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करें और ख़ुद ही डिफरेंस फील करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैंने आज यहाँ एक प्रोग्राम मुनक्कद किया जिसमें मैंने मीडिया फ्रेटर्निटी को दावत दी और मैंने कुछ अपने पुराने स्टूडेंट्स को भी दावत की जिन्होंने यहाँ इब्तदाई तालीम से लेके लास्ट मरहले तक अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट करी, जिसमें हमारे जो 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा सर जो है अपनी कामयाबी से हमें हमारा सर जो है ऊँचा किया। तो मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। हमारी एक स्टूडेंट हैं असमत परवीन जो नीट क्वालिफाई कर गई, वो अंदरगाम से हैं। दूसरी स्टूडेंट हैं सहरुबा जो पसनाग पटन से हैं और तीसरा जो स्टूडेंट हैं वो है मुदस्सिर, प्रिंस मुदस्सिर जो खिमियार पटन से हैं। इन्होंने इस मैदान में नीट के मैदान में जो कामयाबी दिखाई इससे प्राउड कोचिंग सेंटर को उनका सर जो है फैकल्टी मेम्बर्स का जो सर है वो ऊँचा रहा। चूँकि सभी जानते हैं ये नॉर्थ कश्मीर का पुराना कोचिंग सेंटर है जिसकी एस्टेब्लिश हुआ है 2010 में। तकरीबन 10-12 साल से हम ये चला रहे हैं। हमारी हर बार यही कोशिश रही है कि हम जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी है जो स्टूडेंट हैं उनको हम अच्छे से सर्व करें। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो श्रीनगर जाते हैं। हम चाहते हैं आगे कि हम ये नीट की जो कोचिंग है यहाँ ही करें ताकि बच्चों को और फ़ायदा मिले, क्योंकि इन बच्चों से मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ 9th, 10th, 11th, 12th पढ़ा और हमें इससे ये एनकरेजमेंट मिली कि हम ही ये कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और वो अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। एक और चीज़ मैंने यहाँ डिसाइड किया है, गवर्नमेंट की तरफ से हमारा 10% कोटा होता था, चाहे उसमें कोई ऑर्फन, हैंडीकेप्ड या कोई मानव और पोअर होता है उसको हम यहाँ अलाउ करते हैं, वो आते हैं गवर्नमेंट से। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई बच्चा होगा, जिस तरह से हम करते चले आ रहे हैं, अगर कोई बच्चा ऐसा होगा मुस्तहक होगा, गरीब होगा या उसको ऑर्फन होगा, इसके अलावा अगर कोटा में नहीं भी आता है हमने उसके लिए भी दरवाजे जो हैं खोल के रखे, वो आ सकता है यहाँ फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ मैं ये अब मैसेज पेरेंट्स को स्टूडेंट्स कम्युनिटी को देना चाहता हूँ कि वो यहाँ आए और इस पुराने कोचिंग सेंटर को जहाँ उनको कोई चीज़ देख नया नहीं देखना है बल्कि यहाँ हर बार नया कुछ देखने को मिलेगा तो वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा हमने एक यहाँ स्कॉलरशिप जो है वो रखा है जो 19 तारीख को हमारा यहाँ हो रहा है 2 बजे। उसके लिए फॉर्म्स भी ऑलरेडी यहाँ ऑफिस में हैं, आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, लेकिन रोल नंबर स्लिप और जो फॉर्म्स हैं वो आप ऑफलाइन यहाँ ले सकते हैं। 10 बजे से लेकर 3 बजे तक यहाँ हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं।
तो आप आ सकते हैं, इसका भी फायदा उठा सकते हैं।